नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। जी अभी अभी थोड़ी राहत मिली है कमर दर्द से, तो सोचा कि चलिए अभी से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जी अपना वॉक कर रही है यहाँ पर, और अभी कुछ देर पहले ही हमने ब्लॉग डाला, और ब्लॉग कैसे डाला है भगवान जाने। बिल्कुल जी, किस तरह से हम बैठे हुए हैं उस कमर दर्द में, सोचा कि तीन दिन से ब्लॉग नहीं डाला, या चौथा दिन गैप चला जाएगा। और बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत लोगों का मैसेज भी आ रहा था, आपको बेबी हो गया जो अभी तक ब्लॉग नहीं डाला। कुछ ऐसे कमेंट भी थे, तो हमने सोचा कि आप ज्यादा गैप नहीं करते, आज किसी तरह से ब्लॉग डाल ही देते हैं। तो जैसे मन तैसे पिछले तीन चार दिन का कैसे कैसे पूरा करके रखा था। इतनी दर्द थी कि ये हिल भी नहीं पा रहे, जैसे बेड से ऐसे हिलते हैं ना, हिल भी नहीं पा रहे थे, नहीं उठ पा रहे थे, बहुत ज्यादा दर्द थी। हमेशा जो हमारा ब्लॉग आया करता था 9 बजे, 9:15 बजे इस तरह से करके, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारा आज का ब्लॉग आया था, अभी हम लोग शूट कर रहे हैं, जब यह वीडियो डलेगा तब तो कहेंगे पिछला ब्लॉग जो है, तो वह हमने डाला लगभग 10:30 बजे, तो कुछ ऐसी हालत थी। तो कोई बात नहीं जी, और कल सुबह हमें निकलना है, हमारे भाई का है जनऊ, हमारी बुआ जी का लड़का है जिसका नाम है मानस। बिल्कुल जी, बड़ी वाली बुआ का लड़का है मानस, उसी के जनऊ में जाना है। बड़े पापा और बड़ी मम्मी भी आए हुए हैं, उन सभी को लेकर के जाएंगे, बाकी लोग तो घर में नहीं जा पाएंगे। ऐसा करते हैं, अब इसके बारे में कल बात करेंगे सुबह उठ करके, कल अभी तो हमको बहुत नींद आ रही है, कल सुबह ही बात करते हैं। सवेरे उठ चुके हैं, गाड़ी वहाँ पर लगा दिया है, बड़ी मम्मी और बड़े पापा आएंगे तो सभी लोग वहीं से जा करके चढ़ जाएंगे। इस मोहल्ले में गाड़ी घुसाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो सोचा कि क्यों अंदर घुसाया जाए, वहीं पर रख लेते हैं, फिर वहीं से चलेंगे आराम से। जाते ही जल्दी से अपना थोड़ा स्नान कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है अच्छे खासे गेस्ट होंगे, तो वहाँ पर नहाने को लेकर के हो सकता है थोड़ी सी भीड़ हो, तो अच्छा होगा कि यहीं से हम नहा करके निकल जाए। तो चलते हैं सीधा घर। पतिदेव तो चले गए नहाने के लिए, मैं उनका कपड़ा निकाल देती हूँ और बेड उड सब जो भी है सब ठीक कर लेती हूँ। तो ये रहा इनका कपड़ा, तो जल्दी से हम पहन लेते हैं। हाँ, के भी आ चुके हैं। इधर मैं अपना बेड ठीक कर रही हूँ और इधर मेरा भजन चल रहा है, तो जल्दी से बेड ठीक कर लेते हैं जब तक वो रेडी होते हैं। जी नहा के हो गए हैं तैयार, और अब जो है निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी से हम जो है अपना जूता पहन लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। जल्दी जूता पहले, मोजा पहनिए, मोजा पहन लिया। हम लोग फाइनली घर से निकल चुके हैं और गाड़ी रुकी हुई है अभी बीच रास्ते में, सोचा कि थोड़ा सा जो चाय ले लेते हैं, तो चाय पी करके फिर अपनी जर्नी को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। जी पी लिया चाय, इसके बाद जो हम निकलने की तैयारी करेंगे। तो साथ में जो आज आना था मम्मी पापा को भी, जिया सबको भी, लेकिन कोई भी साथ में जा नहीं पा रहा है, क्योंकि जिया की आप लोग कंडीशन जानते हैं, जिया की क्या कंडीशन है, तो घर में एक और लेडीज का रहना जरूरी था। तो माँ थी, रितु का अपना पढ़ाई लिखाई चल रहा होता है, मोनू और रितु दोनों का क्लास चल रहा है, पापा की ड्यूटी थी, तो बचे हम। तो हम जा रहे हैं, हमारे में भी लग रहा था जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि कमर दर्द था काफी, अभी भी हल्का बहुत है, लेकिन कोई नहीं जी, वहाँ चलते हैं और वहाँ पहुँचेंगे, उम्मीद करते हैं सारा कमर दर्द चला जाएगा। हम लोग जो है गाँव एंटर ही करने वाले हैं, लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर का रास्ता है, तो वहाँ से आ रहे हैं एक भाई साहब पिकअप भी करने के लिए, तो हमें आसानी भी हो जाएगी वहाँ पहुँचने में। तो भैया आए हुए हैं पिकअप करने के लिए, रोशन भैया आगे आगे चल रहे हैं, उन्हीं के पीछे पीछे चलेंगे, वहाँ हमें रास्ता दिखाएंगे। बड़ी मम्मी आपका तो शायद पहला टाइम है। हाँ, पहला टाइम। बड़े पापा का भी, पापा का भी। जी पहुंच गए हैं फुआ के घर, और आपको धीरे धीरे करके सभी फैमिली मेंबर से मिलवाएंगे, और यहाँ देख सकते हैं बालक सबको, ये है अंश, और यहाँ देख सकते हैं अंशी को, इसको भी कई बार देखा होगा। अच्छा क्या नाम है अंशी इसका? तो अभी आए हुए हैं जी मिठाई की दुकान, कुछ मिठाई लेने आ गए हैं, जब आ रहे थे तो रास्ते में कुछ दिखा नहीं, तो जब भी आते हैं तो अपना कुछ ना कुछ संदेश लेकर के तो आना होता है। सभी लोग जी यहाँ पहुँच चुके हैं, सबसे पहले निशा जी को प्रणाम, यहाँ पर सभी लोगों का जमावड़ा है। डुमरिया वाले चाची के लिए चाय आ गया है। पहले जी हम आगे जी मंदिर के, फिर आकर के यहाँ पर पूजा करेंगे। तो मिलिए जी हमारे भाई से, जो पीछे आ रहा है उसी का जन्म है। तो जी मानस और सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर घर में, तो मंदिर में जो भी रसम था वह पूरा हो गया, अब वो रसम है कुछ मंडप पर। मम्मी
अब मेकअप उतर जाएगा तुम्हारा, अपना मेकअप नहीं है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल ही है जो सुपारी का ट्रांसपोर्ट ऐसे फ्री में नहीं बताएंगे हम किसी को कुछ। हाँ, कोई सेवा नहीं हमारे पास। जी एक रसम तो हो गया, बाकी है दूसरे रसम की। दूसरे रसम में होता क्या है जी, जितने भी घर होते हैं घर घर जा करके भिक्षा मांगना होता है, जिसको बोलते हैं बिलौकी मांगना। जनों का जो भी यह सब हो रहा है, यह सब रसम तो हमने नहीं देखा जी। हमारा जनों हुआ था देवघर में, बहुत सारा यह जो रसम था, बहुत सारा जो यह विधि था स्किप हो गया था। कोई बात नहीं जी, अपना जो भाई है उसी के जनों में देख रहे हैं क्या क्या रसम है और क्या क्या, और आपको भी दिखा रहे हैं और देख रहे हैं। अच्छा खासा मेहनत वाला रसम है। अभी जहाँ पर हमारा भाई आया भिक्षा मांगने जी, यहाँ इस घर से हमारा एक अलग ही रिश्ता है। वहाँ जो रेड साड़ी में देख रहे हैं वो हमारी भाभी हुई। यहाँ पर हमें मिल गया जी एक घाट, थोड़ा सा आराम करने के लिए। तो आराम कर रहे हैं, मानो उधर बैठा हुआ है, उधर बिलौकी मांगेगा। और ये आखिरी घर बचा हुआ है। संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धि नाशो अस्तु मित्राणाम मुद्यस्तम। चल रहा है घी डारी और सभी ने जो यहाँ पर अपना पेट पूजा कर लिया है, लेकिन जिसका जन्म हो रहा है अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ है, शायद बस फलार हुआ होगा। अच्छे पहले आपको मिला देते हैं अपनी एक भतीजी से, जिसको हम बचपन में ही देखे थे। अच्छा क्या बोल रहे हैं, तुम लोग खाए नहीं खाए? भीख देंगे तो मुझे भाई साहब, अब भीख देने का लगता है कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा तो लग जाएगा, भूखे रहिएगा। आपको बताया ही नहीं, हमारी बुआ का जहाँ पर ससुराल है वहीं पर हमारी एक भाभी है, उसका मौसी घर है ना। ओम मृष्टाये नमः सिंदूर लिंग सिंदूराभरणम् ओम मृष्टाये नमः। हाँ तो चल रहा है जी अभी घी ढारी का कार्यक्रम, तो जनों का कार्यक्रम होने में अभी समय है। अब तक सोच रहे चलते हैं जाकर के बगीचे में घूम लेते हैं। तो यहाँ हमारे जीजा जी काजल लगवा रहे हैं, इनका काजल लग गया है। हाँ हाँ शानदार। अच्छा चश्मा की बॉर्डर पे लगवाइए क्या? आप लिविंग लिविंग करिएगा तो बस हो गया, फैल गया।
इसको क्या ही पता चलेगा। तो बड़ी आई थी बड़ी मम्मी की भीख देने की, तो बड़ी मम्मी जा रही है देने। मेरे मामा के चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके रखना, जिसने नहीं किया उसको आगे भूत पकड़ेगा। एक और रस्म हो गया पूरा। यह जो रस्म था यह था भीख देने का, तो आपने देखा होगा सभी लोग एक एक करके भीख दे रहे थे, हम भी गए थे उसमें। तो यह रस्म जी हो गया पूरा। अब इसके बाद जो है भाई का होगा मुंडन, और मुंडन होने के बाद जो है सभी बड़े लोग मिल करके उसके ऊपर जो अक्षर डालेंगे तो वो आपको सब कुछ दिखाएंगे। उम्मीद चिंता लगती है।